हजारों लोग थे। बिरबल ने कहा कि हुजूर एक 100 लीटर दूध मंगाइए, तो दूध मंगा दिया। अब कहा बिरबल ने इसको गरम करिए, गरम, तो गरम होने लग गए, गरम हो गए, और गरम होने के बाद उसको बहुत हिलाने लगा बिरबल। बोले क्या कर रहे हैं? बोले आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हिलाते हिलाते उसमें बहुत सारा मलाई एक साइड जम हो, क्या हो गए? मलाई जम गए। फिर उसमें थोड़ा सा कुछ नींबू वगैरह डाला तो पूरा दही जैसा हो गए। फिर उसमें से घी निकाला, क्या निकाला? घी निकाला। बोला हुजूर आपने तो दूध मंगाया था, आपसे दूध मंगवाया था, तभी तो इसमें ना मलाई था, न दही था, न घी था, ये सब प्रक्रिया के बाद ये सब इसमें से एक एक करके निकला, न मलाई भी निकला, दही भी निकला और घी भी निकला। ऐसे ही जब आप भजन करते हैं, शुद्ध भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और जैसे गुरुजन महात्मा जन कहते हैं उस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी सेवा करते वैसे करते हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान कणकण में रहते, हर जगह रहते। बोले चलो मान लिया, जैसे दूध में घी नहीं दिख रहा था, दही नहीं दिख रहा था लेकिन निकला, ऐसे ही हम लोग के भजन क्रिया शुद्ध नहीं होने से कणकण में भगवान विराजमान है, दिख नहीं रहे हैं। जब आपका शुद्ध होगा हर जगह भगवान दिखेंगे। इसलिए तो गीता में कहा भगवान ने कि जो महात्मा है, विद्वान है, पंडित है, हर जीव में भगवान का उनको दर्शन होता है। अकबर बोले ठीक है मान लिया, लेकिन तुम्हारे भगवान करते क्या है? बोला भगवान हमारे क्या करते, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे बिठाते। बोला वो कैसे? बोला आप अभी हमारे से सवाल पूछ रहे, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरा चेला हो, तो आप मुझे अपना आसन में बिठाओ और आप नीचे बैठ के, पूछने वाला नीचे बैठता है, पूछने वाला नीचे बैठता है और बताने वाला ऊपर बैठता है, परंपरा है। हम लोग भी यहाँ से सवाल पूछते ना भाई, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, आज भी बोल रहा हूँ, कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा बाद में जब कथा विश्राम होगी। तो हमारा आसन थोड़ा ऊंचा आप लोग लगाते हैं ना, ये नियम परंपरा है। तो अकबर ने मान लिया, आसन पे से उतर के नीचे बैठा, बिरबल ऊपर बैठा और कहा भगवान का यही काम है, नीचे वाले को ऊपर बिठाते, ऊपर वाले को नीचे बिठाते। तो भगवान का काम क्या है? जो भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो हनुमान जी के रास्ते पे चलते हैं, दासत्व को प्राप्त होते हैं, शुद्ध भजन करते हैं, अहंकार रहित भजन करते हैं, त्रिलानपि सुनि चैन को आत्मसात करके घूमते हैं, सदा सतत हरि कीर्तन करते हैं, उनको भगवान ऊपर बिठाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो सबको नीचे बिठाते हैं, नीचे घुमाते फिराते रहते, लगे रहो और परेशान रहो, चिंता में हमेशा रहो, यही आपका कर्म का फल है। क्या है? यही आपके कर्म का फल है। तो इस प्रकार से अगर ऊपर बैठना चाहते हैं तो सतत हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। और शुरुआत हमने यहीं से किया था कि अगर मन को कैसे करना है, शुद्ध पवित्र करना है, भगवान के चरणों में लगाना है, आत्मा को पोषित करना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है, तो एक ही औषधि है, एक ही साबुन है, एक ही डिटर्जेंट है, क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कली काल में तो इसके अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस वर्तमान समय में इससे ऊंचा, इससे शक्तिशाली, इससे सरल और कोई उपाय नहीं। तो निरंतर हरि नाम करिए, और हरि नाम के साथ साथ अगर आपके पास समय है, अगर आप और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं,
तो भगवान की सेवा करिए, भगवान का दर्शन करिए, भक्तों का सेवा करिए, अपने गुरु जी से पूछिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। दीक्षा ले लिया, गुरु जी को भूल गए, दीक्षा ले लिया, अब अपने घर में आनंद उठा रहे, ये कोई दीक्षा का मतलब नहीं हुआ। दीक्षा मतलब कि गुरु को शरणागत होना और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवन यापन करना, बस इतना ही, संसार से ऊपर उठते रहना, तो इस प्रकार से सार्थक जीवन होगा। तो आप सब ने 9 दिवसीय कार्यक्रम में अपने अपने मन बुद्धि और शारीरिक क्षमता जो कुछ भगवान से प्राप्त हुआ धन, उसके हिसाब से सबने अपना अपना पूरा सहयोग दिया, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझा नहीं कि समय से लक्ष्मी सेवा देना चाहिए, रसीद बुक जमा करना चाहिए। उन सब के चरणों में निवेदन करूं कि आगे से इस बात का ध्यान रखें कि दिवाली आती है ना, दिवाली तो मिठाई बड़ा सुंदर लगता है, दिवाली में मिठाई का महत्व ज्यादा होता है या रोज ज्यादा होता है? दिवाली में किसी के घर मिठाई ना बनाओ, वो बेचारे लोग रोते तलपते, वो चिंता करते, दुखी होते कि आज मेरे घर मिठाई नहीं, सबके घर मिठाई हो रही, तो मिठाई दिवाली में अच्छी रहती है, लगती है, उसका आनंद होता है। इसी प्रकार जो दान है, जो सेवा है, वो समय से अच्छा लगता है। आप अपने बुद्धि से, आप अपने युक्ति से, आप अपने तरीके से करेंगे वो ठीक है, कैसा हो गया वो ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने समय से ना तो रसीद बुक जमा कराया, ना उससे संबंधित लक्ष्मी जमा कराया, ना समय से आए और अपने मन बुद्धि से सेवा किया, फिर भी उन सभी के लिए हम किसी भी प्रकार से हम उसका ना तो हमें दुख है, ना हम उसका बुरा मानते। उनकी कुछ अपनी मजबूरियां होगी, कुछ अपने समझदारी होगा, हम उन सब के लिए पहले भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आने वाले दिनों में वो अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने भाव को थोड़ा ऊंचा उठाएंगे, अपने सेवा को थोड़ा गहरा करेंगे और समय से सारे कार्यों को संपन्न करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो उन सभी भक्तों के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और उन सब बहुत सारे भक्तों के लिए जिन्होंने अपना पूरा समय यहाँ दिया, समय से आए, समय से पहले